हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुक इंडिया टीवी में। आज मैं आपके लिए गुजिया की रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। गुजिया में डलने वाली सामग्री है, ये हमने थोड़ा सा नारियल का बुरादा लिया है। आप चाहे तो नारियल, साबुत नारियल को भी कद्दूकस कर सकते हैं। ये हमने काजू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और बादाम को भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। किशमिश लिया है हमने, और गुजिया में मीठे के लिए हमने चीनी को हमने पीस कर ले लिया है। आप चाहें तो पिसा हुआ भी मार्केट से ले सकते हैं। सूजी लिया है हमने और खोया लिया है हमने। अब खोए को हम भून लेंगे, फिर सूजी को हम भूनेंगे। गैस हमने ऑन कर दिया है, कढ़ाई हमारी हल्की गर्म हो गई है। अब इसमें हम एक चम्मच घी लेके चारों तरफ कढ़ाई में लगा लेंगे, ताकि हमारा खोया चिपके ना। अब इसमें हम खोए को डालकर भून लेंगे। ये देख सकते हैं आप, हमारा खोया कैसे मेल्ट होने लग गया है। इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही हम भूनेंगे। खोया हमने करीब 1 पाव के करीब लिया था, हमने भून गया है खोया, इसको हम निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में हम जो कटे हुए बादाम थे और काजू थे, इसको हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे घी में भी रोस्ट कर सकते हैं, पर मैं ऐसे ही रोस्ट करूंगी, इसमें भी टेस्ट अच्छा आता है। इसको भी लो मीडियम फ्लेम पे हम रोस्ट करेंगे। भुनने के बाद हम ये कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल लेंगे इसी के अंदर, इसको भी रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा नहीं करेंगे, 2-3 सेकंड ही करेंगे इसको। देख सकते हैं हमारा ये तीनों अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और हम कढ़ाई को उतार लेंगे, फिर सूजी भूनेंगे। कटोरी मैदा ले लिया है हमने, ये 1 चम्मच हमने घी का मोयन डाल लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल, जो भी आप ऑयल खाना पसंद करते हो, आप इसमें डाल सकते हैं। ये इसको हम इसी में मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें नमक भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है ये। इसको मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसको पानी से गूंद लेंगे। मोयन हमने इसमें मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं ये इस तरह से। इसको धीरे धीरे इसमें पानी डाल के इसको हम गूंदेंगे। आप देख सकते हैं मैदा हमारा गूंद गया है, ना ही ज्यादा सॉफ्ट गूंदना है और ना ही ज्यादा टाइट, इस तरह से ना। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल या घी, जो भी आप लगाना है लगा दीजिए, और इसको रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढकने के लिए छोड़ देंगे और सूजी को भून लेंगे। गैस को ऑन कर लिया है, कढ़ाई गर्म होगी, इसमें हम घी डाल देंगे। घी गर्म हो गया है, अब इसमें हम सूजी डाल देंगे। ये हमने 2 कटोरी सूजी, लगभग 2 कटोरी के करीब हम सूजी डालेंगे, और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। देख सकते हैं हम, हमारी सूजी का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने खोया भुना हुआ था, उस खोए को हम डाल देंगे। फ्लेम को हमने एकदम लो कर रखा है। देख सकते हैं हमारा खोया इसमें मिक्स हो गया है। खोया हमारा मिक्स हो गया है, अब हमने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किया था, वो हम सारा इसके अंदर डाल देंगे। ये हम किशमिश भी इसी में डाल देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। चीनी हम बाद में डालेंगे जब सूजी ठंडा हो जाएगा। इसमें हमने 2.5 कटोरी के लगभग पिसी हुई चीनी डाली है, क्योंकि 2 कटोरी हमने सूजी ली थी और 2 ही कटोरी हमारा पिसा हुआ ड्राई फ्रूट हो गया था, तो सब मिलके 4 कटोरी हो गया था। तो हमने 2.5 कटोरी के लगभग लिया है, और इसको हम सूजी ठंडा होने पे मिक्स कर रहे हैं। और ये हमने सौंफ का पाउडर लिया हुआ, पिसा हुआ सौंफ का पाउडर, ये मार्केट में बड़े ही आसानी से मिल जाता है। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जिसका फ्लेवर। सौंफ पाउडर डालने से भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और खाने में बड़ा ही टेस्टी और अच्छा लगता है। अब
अब आटा देख सकते हैं हमारा 15 से 20 मिनट हमने रेस्ट पे छोड़ा था आटा, और इसको हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे। ये हमने छोटी छोटी लोई बना लिया है, अब इसमें हम इसको हम बेलेंगे और इस तरह से हाथ में लेके स्टफिंग कर देंगे चारों किनारों पे। हम पानी लगा लेंगे थोड़ा सा, ताकि इसको इस तरह से करके देख सकते हैं चारों तरफ से हमारा इसका मुंह हमने बंद कर दिया है। अब इसको इस तरह से हमारे घर में जो फॉग हो उससे हम इस तरह से करके डिज़ाइन बना सकते हैं। आप चाहें तो गुजिया आता है उसमें भी बना सकते हैं। एक प्लेट में हमने कोई साफ कपड़ा बिछा लिया कॉटन का, और इस तरह से हम बना बना के इस पर हम रखते जाएंगे। गैस हमने ऑन कर लिया है, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब इसमें हम ऑयल डाल लेंगे, गुजिया को डीप फ्राई करेंगे। गुजिया हमारी सारी तैयार हो गई है। दो कटोरी आटे में 20 से 25 गुजिया हमारी बन गई है। बाकी जो स्टफिंग था वो मैंने रख दिया है। आप उसे किसी भी एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं। जब आपका दिल करे तो उसको गुजिया बना के खा सकते हैं।